मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की राजधानी जयपुर के महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति में भी तेजी आएगी। वहीं इसके माध्यम से दुनिया भर में ग्राहकों को हाइड्रोलिक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश में निवेशकों को सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने राज्य में उद्योगों के लिए सरकार द्वारा किए गए नवाचारों की प्रशंसा की और राजस्थान को उद्योगों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया। हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम सब हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र में काम करने वाले कॉर्पोरेट समूह हैं और विप्रो का हाइड्रोलिक प्लांट जो शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से एक जयपुर के अंदर नई शुरुआत की है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आने वाला समय हाइड्रोलिक सिलेंडरों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला है। और आज भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, अर्थ मूविंग का हो, यूटिलिटी का हो, लिफ्टिंग का हो, शिफ्टिंग का हो, कृषि का हो, पान की हो, खनन का हो, जैसे अनेक क्षेत्रों में हाइड्रोलिक सिलेंडरों की आवश्यकता हो रही है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये आवश्यकता आगे बढ़ने वाली है। आगे आने वाले समय में ये निश्चित रूप से आवश्यकता बढ़ेगी। और ये मैं अजीत प्रेम जी से कहना चाह रहा हूं, ये उधर दक्षिण की तरफ तो काफी आपके प्लांट हैं, लेकिन आपने एक राजस्थान के अंदर ये प्लांट लगाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हाइड्रोलिक सिलेंडरों की देश और विदेश में बढ़ती मांग पूरी करने के लिए विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर ने नया संयंत्र स्थापित राजस्थान में लगाया। इसके लिए मैं विप्रो का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ विप्रो का जो हाइड्रोलिक प्लांट लगा है, जैसा मैं कह रहा था, उत्तर भारत में ये कंपनी का पहला प्लांट है। इस हाइड्रो प्लांट के जरिए विप्रो प्रदेश की प्रगति और प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने का काम तो करेगी, लेकिन विभिन्न उद्योगों में हाइड्रोलिक की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस संयंत्र का विस्तार भी आपको करना पड़ेगा। एक कॉर्पोरेट समूह के रूप में विप्रो की देश और दुनिया में प्रतिष्ठा है। आजादी से पहले 1945 में आपका सफर शुरू हुआ था और आज आईटी इंजीनियरिंग एफएमसीजी क्षेत्र में विप्रो एक मजबूत कंपनियों में शुमार होती है। इसका पूरा श्रेय अजीम प्रेम जी को जाता है। जयपुर में प्लांट का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विप्रो एंटरप्राइजेस के चेयरमैन अजीज प्रेम जी ने किया। इस दौरान उनके साथ जेसीबी इंडिया की सीईओ एमडी दीपक शेट्टी और विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सीईओ एवं विप्रो एंटरप्राइजेस के एमडी प्रतीक कुमार भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान भारत के महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आया है। राजस्थान के विकास में योगदान देने और इसका हिस्सा बनने के लिए विप्रो का स्वागत है। और समाज से भी जहां आवश्यकता होती है और आपको लगता है कि ये क्षेत्र कमजोर है, हमेशा आपने उस क्षेत्र में समाज सेवा करने का काम किया है। आपको विरासत में वनस्पति तेलों का तेल का कारोबार मिला था, लेकिन आपने अपनी दूरदर्शिता और कारोबारी समझ की बदौलत
वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट को विप्रो जैसा प्रतिष्ठित ब्रांड भी आपने बना दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। अजीत प्रेम जी साहब ने विप्रो का 53 साल तक नेतृत्व किया, तभी विप्रो आज इस मुकाम पर पहुंची है। और मेरे को जब निमंत्रण देने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि अजीत प्रेम जी आएंगे लेकिन वो आप कार्यक्रम में आओगे तो वो आएंगे। मैंने कहा निश्चित रूप से मैं कार्यक्रम में आऊंगा, आप प्रेम जी को बता देना कि वो अपना टिकट करा लें और निश्चित रूप से आए, मैं सारे काम छोड़ करके आपके कार्यक्रम में आऊंगा, ये मैंने कहा। क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी के माध्यम से राजस्थान में और भी कार्य होने वाले हैं, और अजीत प्रेम जी का जो प्रेम है राजस्थान के प्रति वो मुझे दिख रहा है, और इनका जो संदेश था वो भी मुझे देखने को मिला। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये फाउंडेशन गरीब कल्याण के लिए भी सराहनीय कार्य करेगा। पिछले लगभग 2 दशक से अधिक समय से राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अजीत प्रेम जी फाउंडेशन के प्रयासों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया है। मैं विप्रो के लीडर्स को बताना चाहूँगा कि राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश है, ये औद्योगिक विकास के लिए भरपूर अवसर है, आप और हम साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर प्रगति की नई इमारत भी हम लिखेंगे। मैं विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश का औद्योगिक विकास, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होती है, गरीबी कम होती है और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। हम नई उद्योग नीति 2024 लेकर के आए हैं जिसमें उद्योग के लिए हमें उद्योग के लिए जो डूइंग बिजनेस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, हम प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति भी लेकर आएंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 पर हम काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करने और सप्लाई चेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी भी हम लेकर के आएंगे। हम अपनी सरकार के पहले ही वर्ष में राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। मैं उसके लिए आप सभी को और ऐसे सभी आपके मित्रों जो उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करना चाहते हैं, उन सभी को मैं यह राजस्थान में आमंत्रित करना चाहता हूं। यही क्योंकि आपने देखा है हमारे प्रदेश में उद्योग इकाई को बिजली की कोई कमी नहीं हो सके, इसके लिए हमने बिजली के क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ के निवेश समझौते किए हैं और इन निवेशों से राजस्थान ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा। उद्योगों की उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली भी मिलेगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पर्याप्त पानी भी मिलेगा और पर्याप्त जमीन भी आपको मिलेगी। और सरकार की तरफ से आपको लोग कहते आए हैं लेकिन किया नहीं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारा काम सिंगल विंडो के आधार पर होगा। और हमने पहले से ही सुनिश्चित किया कि हम राजस्थान के अंदर 5-6 क्षेत्र हमने चिन्हित किए हैं और जहां जैसी आवश्यकता होगी उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए हम पहले से ही ये निर्धारित कर रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र किस बिजनेस के लिए
किस प्लांट के लिए ठीक रहेगा उनको हमें सुनिश्चित भी किया है और उसको हम पोर्टल पर डालते हुए आपका जो सुझाव होगा उसको भी लेंगे। राजस्थान आधारभूत ढांचे के स्तर पर अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया। आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजस्थान से होकर गुजरने से दिल्ली NCR और मुंबई जैसे बड़े बाजारों से प्रदेश की कनेक्टिविटी सुगम हुई है। हम राज्य में सड़कों के निर्माण और सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम 5 साल में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बना रहे हैं और प्रदेश में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे विकसित कर रहे हैं। राजस्थान से होकर गुजरने वाला वेस्टर्न कैडेट फ्रेम कॉरिडोर भी पूरी तरह से शुरू होने से उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। उद्योग की स्थापना के लिए जरूरत कुशल मानव संसाधन की होती है। हम प्रदेश के युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी भी ला रहे हैं। हम वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाएंगे और 2 साल में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे। हम 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर की स्थापना भी हम करेंगे। हम तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भी खोलने वाले हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि विकास का लाभ राजस्थान के हर कोने तक पहुंचे। राजस्थान के प्रत्येक गरीब नागरिक के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव भी हो। हमारा प्रयास है कि राजस्थान विभिन्न कंपनियों के लिए निवेश की पसंदीदा जगह बनकर उभरे और राजस्थान में कारोबार के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अत्याधुनिक संयंत्र भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए निवेश का उदाहरण है जो लगातार सफलता और विकास सुनिश्चित करेगा। बता दें कि इस प्लांट की स्थापना के लिए कंपनी ने करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिससे करीब 400 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक ही छत के नीचे सभी क्रिटिकल टू क्वालिटी प्रोसेस को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर मैं आप सभी को एक बार फिर राजस्थान की विकास यात्रा में साथ जुड़ने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं और एक आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारे यहाँ 35% हमारी बहनें इस प्लांट के अंदर काम करती हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे राज्य का विकास, हमारे देश का विकास युवा, महिला, किसान, मजदूर इन पर आधारित होता है और इन पर अगर आधारित होता है तो इनको मजबूत बनाने का काम हम सभी को करना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, या हमारा आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि विकास के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक टास्क लेना पड़ता है और आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए उन्होंने जो टास्क लिया है, हर 5 साल में किस तरह से टास्क लिया और 2047 तक हमारा भारत विकसित बने, हमारा भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने, दुनिया में हमारी पहचान हो, दुनिया के अंदर हमारे इंजीनियर, हमारे वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए काम करें।
मैं आज इसी आसार विश्वास के साथ आपने जिन इरादों से जिस राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने जिस तरह की काम किया है और आपने जो सोचा है, निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें। आइए हम नई ऊर्जा एवं मजबूती इरादों के साथ आगे बढ़ें, दुनिया को राजस्थान की प्रगति की शक्ति का देखने का मौका मिले और हम सब इस विकसित राजस्थान और विकसित भारत की उस धारणा को आगे बढ़ाते हुए हम काम करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें सुधार की भी गुंजाइश होती है और आगे बढ़ने की भी गुंजाइश होती है। नए नए काम हम किस तरह से करें, मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर आप काम करिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। हम आप पूरी तरह से, हमारी सरकार आप सभी की मदद करेगी और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान, क्योंकि जो हमारे पास आवश्यकता है, हमारे पास दो कमी थी लेकिन उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली की कमी, पानी की कमी, लेकिन हमारा ये वर्ष हमारा पानी और बिजली के लिए है। आपने देखा होगा पानी के क्षेत्र में भी हमने काम किया है पूरे राजस्थान के अंदर और बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं राइजिंग राजस्थान की जो आगे दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए पुनः आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। नए प्लांट में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसमें ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन, रोबोटिक आर्म, हाईली एडवांस पेंट लाइन और मटेरियल मूवमेंट के लिए ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट यानी कि AMR शामिल है। उत्तर भारत में अपने पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ अब भारत के 4 शहरों जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के हिंदुपुर में कंपनी की उपस्थिति हो गई है, जहां हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर कंपनी ने 16 प्लांट है। इसके चलते लोगों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे।